अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रिजवान कवी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रियल स्टेट की दुनिया में हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं ताकि आने वाले वक्त के लिए आप लोग बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। व्यूअर्स, आज मैं जिस प्रोजेक्ट को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4। लेकिन आज मैं आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के जितने भी ब्लॉक्स हैं G1 से लेकर G6 तक के स्ट्रीट व्यू के हवाले से बात करूँगा, जिसमें मैं आपको वन बाय वन इसके ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा। और आज का जो मेरा स्ट्रीट व्यू होगा वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G1 ब्लॉक का होगा, जहां पर मैं आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा, डेवलपर के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। बिकॉज ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लिहाजा आए हम स्ट्रीट व्यू की तरफ चलते हैं और आगे चल के तमाम प्रोजेक्ट को आपसे डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि हम एंट्रेंस की बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की जो ये एंट्रेंस है ये आपको बड़ी ही वाइड मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपकी जितने भी एंट्रेंसेज हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो अंदर एंटर होते ही हमें लेफ्ट साइड पर G1 ब्लॉक मिलता है। और G1 ब्लॉक में अगर आप लेफ्ट साइड पर मेरे ऑब्जर्व करेंगे तो पहले 8 कमर्शियल में आपको फर्स्ट हाई राइज बिल्डिंग मिलती है जिसका नाम है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। इसकी लोकेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है और फर्स्ट हाई राइज बिल्डिंग है। ये फास्ट ट्रैक पे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। गोल्डन लोकेशन है इसकी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो मॉल है ये बड़ा ही अच्छा और ख़ूबसूरत बनने जा रहा है। यहाँ पर आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल तमाम एक्टिविटीज़ मिलेंगी। 160 फीट रोड पे फिर हम रहते हुए थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे जो हैं वो कमर्शियल्स हमें मिलेंगे, 8 मल्ला कमर्शियल्स। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इन कमर्शियल्स के आगे भी 50 फीट जो है वो रोड मिलती है। यहाँ पर कमर्शियल्स बनाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि आने वाले वक्त में जो G5 में डील दी जा रही है उसमें 1500 घरों ने आना है, तो कमर्शियल्स का काम यहाँ बड़ा तेज़ी से जारी है। 160 फीट रोड पर रहते हुए जैसे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आगे हमें लेफ्ट साइड पर ही ऑपरेशनल मस्जिद मिलेगी, मस्जिद अल रियाज, जो कि ऑपरेशनल है। यहाँ पर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं। आप ये देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड पे, आप ऑब्ज़र्व करें, यहाँ से अगर हम लेफ्ट टर्न ले तो आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा ये मस्जिद का। ये मस्जिद अल रियाज है, ये फर्स्ट राउंड अबाउट आ गया। यहाँ से आप जब लेफ्ट टर्न लेते हैं और लेफ्ट टर्न लेके जैसे ही आप मस्जिद रियाज की बैक साइड से होते हुए आप दोबारा G1 ब्लॉक के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे मैं बताते रहूँ कि यहाँ पर जो आपके कनाल के प्लॉट्स हैं वो बाउंड्री के पास जो है वो 125 से 130 की ब्रैकेट से लेके लोकेशन जो है आपको 175 से 180 के दरमियान में मिलती है। और ये मेरे आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर आपको लोकेशन का जो प्लॉट है वो कॉर्नर कंसीडर्ड होता है, मेन ब्लोवर्ड का होगा। इसी तरह आप थोड़ा सा आगे और जाएं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि राइट और लेफ्ट पे आपको कैनाल की कटिंग मिलेगी, प्लस आपको ये पार्क मिलेगा, कूल डे पार्क। आपको यहाँ पर दो ऑपरेशनल पार्क मिलेंगे जो कि एक 34 कैनाल का है और एक 32 कैनाल का पार्क मिलता है। प्लस इसके साथ आपको जो है यहाँ पर 5 मरला की कटिंग दी गई है और 5 मरला के आपको 80 से 100 के करीब प्लॉट्स मिलते हैं। प्लस उनकी जो प्राइस की मैं बात करूँ तो वो प्लॉट्स आपको 56 लाख से लेके 60 लाख तक की ब्रैकेट में मिलेंगे। आपकी मेरे राइट साइड पे देखें, यहाँ पर बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं एक कनाल की कटिंग को और लोग यहाँ पर जो है वो रहना पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अगर आप मुआवजना करेंगे तो आपको जो कनाल का प्लॉट है वो आपको ऑलमोस्ट बहरिया ऑर्चर्ड के सेंट्रल ब्लॉक में जो है वो 2 से 2.25 करोड़ का मिलता है, बट यहाँ पर आपको जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम मिलेंगी। और आपके राइट और लेफ्ट पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ पर आप, एक तो प्लॉट्स भी डीप नहीं है और आप यहाँ पर कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं, अच्छी प्राइस में अवेल कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको ये एरिया ऑन ग्राउंड होते हुए भी पसंद आएगा और इसके जो स्ट्रीट व्यू है ये आपको पसंद आएगा और आने वाले वक्त में आप अगर यहाँ रेजिडेंस रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छी साबित होगी क्योंकि प्राइस भी इकोनॉमिकल है यहाँ पर अभी। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा आज का स्ट्रीट व्यू था बहरिया ऑर्चर्ड के G1 ब्लॉक के हवाले से, जहाँ पर कनाल की कटिंग है और 5 मरला की कटिंग है, ये आपको पसंद आया होगा। और इस तरह टाइम टू टाइम मैं आपको फेज़ 4 के जो फर्दर ब्लॉक्स हैं जिसमें G2 से लेकर G6 तक जो अब रिमेनिंग है उनका भी स्ट्रीट व्यू दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के हवाले से, उनकी प्राइसेस के हवाले से और आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। बिकॉज जो स्ट्रीट व्यू है उसमें लोगों को पिक्चर क्लियर होती है, ना सिर्फ लोकल के लिए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए भी, कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो यहाँ पर कम बजट में रहते हुए जो है अच्छी कैटेगरी का प्लॉट अवेल कर सकते हैं। और अगर मेरा आज का ये स्ट्रीट व्यू आपको पसंद आया हो
तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको तमाम रियल स्टेट से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो बवक्त मिल सकें। प्लस अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर +92333115800 पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं कनाल के हवाले से या पाँच मरला के हवाले से, और आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।